हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुफियान सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मॉलिक्युलर मास, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मॉलिक्युलर मास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर में आपको कोई भी एक कंपाउंड्स दिया जाएगा और उस कंपाउंड्स का मॉलिक्युलर मास कितना होता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसके हिसाब से ये आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा देखें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको मॉलिक्युलर मास का जो कंसेप्ट है वो इजीली अच्छे से समझ में आ जाए और मॉलिक्युलर मास किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें। मॉलिक्युलर मास, जिसे उर्दू के अंदर में सालमी कमियत कहते हैं, शुरू करते हैं अपन आज मॉलिक्युलर मास के बारे में पढ़ना कि मॉलिक्युलर मास किसे कहा जाता है और मॉलिक्युलर मास को उर्दू में सालमी कमियत कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। क्या मतलब इस डेफिनेशन का, कि एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड से आपको दिया जाएगा और उस कंपाउंड्स के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर में जितने भी एटम्स होंगे। अब कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती है तो कंपाउंड्स बनता है। कंपाउंड्स को उर्दू के अंदर मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल रही है और या दो से ज़्यादा एटम्स मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो उससे भी आपको कंपाउंड्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आपने एक एलिमेंट्स लिए यहाँ पर सोडियम और एक दूसरा लिया आपने क्लोरीन, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, मेटल और नॉन मेटल। इसका एटम जो है एक ही है यहाँ पर दिया हुआ, इसका एटम जिसे उर्दू के अंदर में जौहर कहा जाता है। क्लोरीन्स का भी एक ही है, ठीक है। तो दो अलग अलग एटम मिले यहाँ पर, एक सोडियम का एटम मिला, एक क्लोरीन का एटम मिला, तो इससे क्या मिला आपको, वहाँ पर एक कंपाउंड मिला NaCl, ये मिल गया। यानी कि ये सब्सटेंस है आपका दिया हुआ। इस सब्सटेंस के अंदर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, कितने जोहर प्रेजेंट होंगे, उन जोहरों की, उन एटम्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को उर्दू में क्या कहते हैं भाई, कोई बताएगा जल्दी से। एटॉमिक मास जिसको उर्दू में कहा जाता है जौहरी कमियत, उर्दू के अंदर इसे कहा जाता है जौहरी कमियत, और मॉलिक्युलर मास को कहा जाता है सालमी कमियत। क्या बोले डेफिनेशन, अच्छे से समझे, इत्मीनान से समझे कि द सम, सम बोले तो जमा है ना, जमा करना, या मजमुआ भी बोलेंगे आप इसको। आपको 9 क्लास की बुक्स के अंदर में मॉलिक्युलर मास के बारे में दिया गया है, कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्युलर मास एंड मोल्स करके। तो अपन यहाँ पर मॉलिक्युलर मास के बारे में पढ़ रहे हैं कि द सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि जो आपको कंपाउंड्स के अंदर में, जो सब्सटेंस के अंदर में, ये सब्सटेंस ही है, यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट जिसे कहेंगे, एक सब्सटेंस है आपको दिया हुआ। तो ये इस सब्सटेंस के अंदर जो भी एटॉमिक, जो भी एटम्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एटम्स। ये एटम्स को उर्दू में क्या कहेंगे भाई, जौहर कहेंगे। उर्दू के साथ में, ये इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी के साथ में उर्दू भी सीखे, क्या इंग्लिश के अंदर में एटम बोलते हैं और उर्दू में इसको जौहर बोलते हैं। इंग्लिश में मॉलिक्युलर मास बोला जाता है, उर्दू में सालमी कमियत बोला जाता है। इंग्लिश में एटॉमिक मास बोला जाता है, उर्दू के अंदर में जौहरी कमियत कहा जाता है। इंग्लिश में सम कहा जाता है, उर्दू में जमा और या मजमुआ बोलेंगे आप यहाँ पर इसको, इस तरह से। यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सब्सटेंस दिया हुआ रहेगा आपको, उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे अभी NaCl है, इसका एक मॉलिक्यूल्स है सोडियम क्लोराइड का, तो इस सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अब ये कंपाउंड कैसा मिल रहा, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन। सोडियम का इसमें एक एटम है और क्लोरीन का इसके अंदर में एक एटम है। इस तरह से ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बना हुआ कंपाउंड्स है यहाँ पर। तो इसके अंदर में कितने एटम्स है और उन एटम्स की एटॉमिक मास की एडिशन, उसे कहेंगे आप यहाँ पर मॉलिक्युलर मास, इस तरह से, ठीक है। आप शॉर्ट में इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, सम ऑफ
एटॉमिक मासेस, यानी कि जो एटॉमिक मासेस है जौहरी कमियत, इसकी सम, इसकी एडिशन, उसे क्या कहेंगे? मॉलिकुलर मास कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पर इसको। भाई आपके पास में एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है वाटर। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ओके, तो अब इसका अपने को मॉलिकुलर मास निकालने का है। मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? इस तरह से, सम ऑफ एटॉमिक मास। ये छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको आप याद कर ले अच्छे से। एटॉमिक मास की सम एडिशन क्या करेंगे? अब ये वाटर एक सब्सटेंस है, एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि ये वाटर जो है ये कौन कौन से एलिमेंट से, कौन कौन से एटम से, जोहरों से मिलकर बना हुआ है। पानी कौन कौन से एटम से, एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? दो है इसके अंदर, एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका पानी, वाटर। तो क्या बोले यहाँ पर? सम ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मासेस की सम लेनी है। अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास कितना है? वन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? वन है। और उसी तरह हाइड्रोजन का जो यहाँ पर दिया गया है एटॉमिक नंबर कितना है? नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दो है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दो है, ठीक है, इस तरह से। और फिर साथ में उसी तरह ऑक्सीजन का देखेंगे अपन यहाँ पर, जरा ध्यान से अच्छे से देखेंगे आप। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो एटॉमिक मास कितना है उसका? 16। यहाँ पर लिखे अपन ने इसका एटॉमिक मास 16 लिख दिए यहाँ पर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। और उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मतलब साल में, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के? यहाँ पर एक ही है, एक ही दिख रहा है आपको यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर अपन एक लिखेंगे इस तरह से। और इसकी क्या करनी है यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन करनी है, बहुत इजी है। ओके, ये जो रेड पेन से जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये रेड पेन से जो है इसे कहते हैं एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक मास है, इसे कहेंगे एटॉमिक मास। और ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ आपको, इसे कहा जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स के आपको इसके अंदर में दिए हुए? जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर दो लगे हुए हैं, तो यानी कि इसके अंदर में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दो है। उसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और ऑक्सीजन के अंदर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? ऑक्सीजन के एक है, इसलिए यहाँ पर एक लिखे। अब इन दोनों के आपस में क्या करना है आपको? मल्टीप्लीकेशन करना है, जरब करना है। तो 1 2 2 या 2 1 1 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2 आ जाएगा इस तरह से। फिर 16 1 16 ये आ गया यहाँ पर इसका, ठीक है। अब इन दोनों की यहाँ पर आपको एडिशन करनी है, इन दोनों की क्या करनी है आपको? एडिशन करनी है। कितने हो जाएगा? 2 + 16 ये हो जाएगा 18। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास, इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। सालमी कमियत किसका मॉलिक्यूलर मास है? ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इस तरह से आप यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, बहुत इजी है। क्या करना है? बस एटॉमिक मासेस की सम करनी है। एटॉमिक मास की सम कैसे करेंगे आप? तो इस तरह से करेंगे। कंपाउंड दिया हुआ रहेगा आपको, कंपाउंड के अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस क्या ढूंढना है कि इसके अंदर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, और उन नंबर ऑफ एटम के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। जैसे आपने देखे यहाँ पर क्या वाटर नाम का एक कंपाउंड था, तो आपने देखे इसके अंदर में दो नंबर ऑफ दो एटम्स है, कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और फिर साथ में आपने क्या देखे कि इनके अंदर में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। हाइड्रोजन में देखे आपने ये भाई कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? दो है। और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? एक। ये इधर लिख लिए साइड में यहाँ पर। और उसी तरह इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाइड किए एटॉमिक मासेस की मदद से, एटॉमिक मास के साथ में मल्टीप्लाई किया आपने इसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसकी एडिशन करने की,
और बाद में यहाँ पर जो आंसर आएगा उसे आप कहेंगे मॉलिकुलर मास। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, यहाँ पर जो आप पहले आपने कंपाउंड लिखे थे यहाँ पर अपन ने सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का मॉलिकुलर मास लिखते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड जिसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है NaCl। जैसे अभी बताया मैंने आपको यहाँ पर कि क्या देखने का कि जो कंपाउंड दिया हुआ रहेगा उस कंपाउंड के अंदर में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी तरह ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने का ये फॉर्मूला है आपके पास में, ये फॉर्मूला याद रखें, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन फिर इसके आपको एडिशन करनी है। चलिए देखते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले आपने देखे भाई कि सोडियम क्लोराइड जो है आपके पास, इस सोडियम क्लोराइड के अंदर में सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन Na और Cl ये दो एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अपन ने यहाँ पर लिख लिए Na, फिर लिखे यहाँ पर Cl। अब सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर में आपको एटॉमिक मास दिया गया है और मैंने पिछला वीडियो भी बनाया है मेरा, आपने वीडियो अगर वो देखे नहीं होंगे तो उस वीडियो के अंदर में आप देख सकते हैं कि बेसिक जो कंसेप्ट है वहाँ पर, एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है, एटॉमिक मास किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ मैटर किसे कहा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, ये सारे वीडियो के अंदर में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में उसके लिंक आपके लिए यहाँ पर शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप लोगों ने उस वीडियो पर, उस लिंक के ऊपर में जाकर उसको क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। ओके, तो अब सोडियम का एटॉमिक मास जो है यहाँ पर है 23 इस तरह से, और क्लोरीन का जो है वो 35.5 है यहाँ पर दिया हुआ क्लोरीन का एटॉमिक मास। अब क्या बोले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इसके अंदर में सोडियम के और क्लोरीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो सोडियम का मॉलिक्यूल एक ही है यहाँ पर, तो आपने लगाया 1। अगर यहाँ पर इस तरह से होता 2NaCl तो हम कहते थे कि इसके अंदर में सोडियम के भी दो मॉलिक्यूल्स हैं और दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोरीन के भी दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पर दो नहीं है इसके पास, इसलिए यहाँ पर अपन बोलेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, एक है, तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर क्लोरीन का भी कितना है, 1 है। अब 1 का टेबल तो आप सभी लोगों को याद होगा, 1 टेबल बहुत ईजी है, 1 का टेबल 23 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 35.5। अब इसकी आपको यहाँ पर एडिशन करना है, अब क्या करना है आपको, इसकी यहाँ पर एडिशन करना है, और एडिशन करने के बाद आपको सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो पता चल जाएगा, क्या होगा ये 5 का जैसा का वैसा, 5 और 3 कितना हो गया 8, 3 और 2 5, ये आ गया यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को निकाला जाता है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर अपन, फॉर्मूला सेम रखेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पर। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, एटॉमिक मास भी याद होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले की मदद से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका मॉलिकुलर मास यहाँ पर निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर में देखो कौन कौन से एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको अपन यहाँ पर साइड में लिख लेंगे Na, दूसरा क्या है ऑक्सीजन,
और तीसरा है हाइड्रोजन। ये तीन चीजें हैं यहाँ पर आपको दी हुई, तीनों यहाँ पर लिख लिया अपन ने। एटॉमिक मास फिर से देखो, एटॉमिक मास आ गया। अब सोडियम का एटॉमिक मास क्या है अभी देखे अपन ने, 23। ऑक्सीजन का कितना है, वाटर के इसमें देखे अपन ने 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से करेंगे। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, सबके अंदर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक एक ही है। ओके, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, सोडियम का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है। इस तरह से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिख लिए। अब मल्टीप्लीकेशन करें, 1 का टेबल जो कि बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, कितना होगा 23, यहाँ पर 16, अरे वाह वाह है ना, यहाँ कितना होगा 1, बहुत मुश्किल है, बोले सर 1 का टेबल। ओके, तो चलो एडिशन कर देंगे इसकी, क्या करनी है यहाँ पर, एडिशन जमा कर देंगे, सम कर देंगे, कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10 का सिफर, कैरी 1, 2 और 1 3 3 और 1 4, ये आ गया यहाँ पर 40 मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास, 40 है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है ये समझ चुका होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर। चलो भाई क्या लेते हैं एग्जांपल, एक आधा कोई कंपाउंड्स बताइए आप लोग। एसिड लेंगे, चलो यहाँ पर लेते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए अपन ने, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl, तो यहाँ पर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आपको पता करना है। फॉर्मूला वही है सेम के, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला है, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर इसके आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या करनी है, एडिशन करनी है। चलो अब इसके अंदर में आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो क्या कौन कौन से एटम दिए गए इसके अंदर में, एक है आपके पास हाइड्रोजन और दूसरा है आपके पास में क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया गया है आपको, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबको पता है, बहुत अच्छा एटॉमिक मास है इसका 1, और क्लोरीन का है 35.5। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 है, इसके भी 1 है, 1 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का वही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका आफ्टर ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर के बाद इसकी एडिशन करने के, कितना हो जाएगा आंसर, तो सीधी सदा 36.5 जो है यहाँ पर इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। चलो एक और लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस वही है, सारी चीजें वही है, घबराने की जरूरत नहीं, बस आप ये फॉर्मूला याद कर लें और इस फॉर्मूले की मदद से आप इजीली मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। क्या देखना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर में नंबर ऑफ एटम देखना है कि कौन कौन से एटम्स हैं इसके अंदर में, कौन कौन से हैं, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर अपने को पता चल रही है कि भाई 3 एलिमेंट्स के हैं इसके अंदर में, जिनके एटम्स अलग अलग आपको सोडियम दिया गया है, यहाँ पर सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये 3 आपके पास में नंबर ऑफ एटम है इस कंपाउंड के अंदर में। जैसे डेफिनेशन दी गई है आपको, सम ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि ये जो कंपाउंड्स के अंदर में, जो सब्सटेंस के अंदर में जो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उनके एटॉमिक मास की सम, वही कर रहे हैं अपन।
ये कंपाउंड से आपके पास ये सब्सटेंस है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, और इस सोडियम कार्बोनेट के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है वो देखे आपने, कि यहाँ पर सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और उनके एटॉमिक मास की सम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है, कार्बन का कितना एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। ओके, ये मालूम पड़ गया आपको यहाँ पर। अब आगे क्या है, आपको आगे देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, इसके अंदर में इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो सोडियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, आपने देखे यहाँ सोडियम के नीचे जो है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यानी कि सोडियम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं 2। कार्बन के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ कार्बन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 1 है। ऑक्सीजन के नीचे आपने देखेगा यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने हैं 3 है, इस तरह से। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में यहाँ पर उसका आपको एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिकुलर मास निकालना है, सम करके एडिशन करके। 23 टू जा कितना हो रहा, 23 जा 6, 22 जा 4, ये आ गया आपके यहाँ पर सोडियम का। ओके, कार्बन का कितना आएगा 12, ऑक्सीजन का कितना आएगा 16, 3 जा 48। अब इसकी आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है, यहाँ पर आपको इसकी एडिशन करनी है। चलो 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 क्या 6 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये आ गया यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट का मॉलिकुलर मास कितना आया 106। और ये मॉलिकुलर मास जो है इसको डेल्टॉन के अंदर में इसका यूनिट होता है, इस तरह से यू बनाते हैं वहां पर डेल्टॉन के अंदर में। तो ये है मॉलिकुलर मास जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं। आई होप कि आपको मॉलिकुलर मास के बारे में ये छोटा सा वीडियो इजीली बहुत यूजफुल होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर अब होमवर्क देता हूँ कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, उन कंपाउंड्स के आपको मॉलिकुलर मास बताना है। एक कंपाउंड है आपके पास, होमवर्क नोट डाउन कर ले, कमेंट करके बताना आप लोगों ने, कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है CuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है MgCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है NaHCO3, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ये चार आप लोगों को होमवर्क है, इन चारों का आपको क्या है करना है, मॉलिकुलर मास निकाल के बताना है कमेंट्स करके। ओके फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने मॉलिकुलर मास के बारे में पढ़े है कि मॉलिकुलर मास किसे कहा जाता है, मॉलिकुलर मास यानी कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास की किस तरह से सम जमा की जाती है। एटॉमिक मास बोले तो जौहरी कमैयत, मॉलिकुलर मास बोले तो सालमी कमैयत, क्या सब्सटेंस जो दिया हुआ रहेगा, सब्सटेंस मतलब कंपाउंड जो आपको दिया हुआ रहेगा, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पे, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम्स जौहर जो प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास की सम, जो आपने अभी इतना सारा यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझे है, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आप अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।